हमारा डिमांड ये है कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी को 2 साल लेजी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड में 2 साल सबका नुकसान हुआ है। वैकेंसीज नहीं आई 2 साल में, एग्जाम देरी से हुए, कोई कंटेनमेंट जोन में था, कोई कोविड से पीड़ित था, तो 2 साल सबका नुकसान हुआ। इसलिए हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 साल का एजी रिलैक्सेशन सबको मिलना चाहिए, यही डिमांड है। जब तक मिले ये भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं यहाँ पर, समय आपकी और क्या आपकी मांगे हैं? सर आज हमारी भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और हमारी मांग यही है कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आर्मी, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चलती है उसके अंदर सभी जो विद्यार्थियों को कोविड 19 के चलते नुकसान हुआ उसको 2 साल की छूट दी जाए और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाए, यही मेरी मांग है। और इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर हड़ताल भूख हड़ताल पर बैठे और धरने पर बैठे हैं और ये हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी हो जाए। हम आम अनशन के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर। संजीव पानी, अभी हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के मुद्दे को कवर करने के लिए एक न्यूज चैनल के द्वारा इस मुद्दे को इंटरव्यू किया गया है। न्यूज चैनल के सर ने हमारे इस मुद्दे को, हकीम कमांडर सर जो कि गुजरात से आए हुए हैं, आज तीसरा दिन इनका भूख हड़ताल है, और रितेश चतुर्वेदी सर जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, इनका भी तीसरा दिन आज भूख हड़ताल पे भतरा पे बैठे हुए हैं लोग, कवर किया गया है इस मुद्दे को। अतः जो लोग भी सुन रहे हैं, ये लोग IRMS के इशू के लिए और सिविल सर्विस में 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भतरा पे आए हैं और इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।